हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे ल्हासा की ओर, जो राहुल सांक्रियन की एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखक जो है नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पैदल कर रहा है, जो कि एक उस समय चूंकि भारतीय के लिए नेपाल तिब्बत का रास्ता बंद था, तो वो एक भिक्षुक के रूप में, एक भिखारी के रूप में वह यात्रा कर रहा था। उसके साथ एक बौद्ध भिक्षु भी था, जिसका नाम इसमें सुमति रखा गया है, और उसके साथ वो यात्रा कर रहा था। यात्रा बहुत ही कठिन थी, और इसमें लेखक ने तिब्बत के वहाँ के माहौल के बारे में और वहाँ के कुछ सांस्कृतिक, जो वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ के रास्तों के और वहाँ के जन समुदाय के बारे में कि वहाँ की क्या परंपरा है, लोग इस बारे में भी लेखक ने लिखा है। वहाँ के दुर्गम रास्तों का बहुत ही रोचक वर्णन इसमें लेखक ने किया है। ये सब हमने पढ़ा है। भिकमंगे के छद्मवेश में ये यात्रा थी, वहाँ के लोग किसी भी यात्री को अपने घर बुला लेते थे और उसको चाय बना के दे देते थे। इस तरह का तमाम वहाँ के तिब्बतों का वर्णन इसमें आपको मिलेगा, जो सुनने में हमें अजीब लगता है कि क्या ऐसा भी होता है, कोई भी भिखारी किसी के घर भी ऐसे आ सकता है और उसके घर में बैठकर चाय पी सकता है। लेकिन ये सारे वर्णन और वहाँ के किस तरह के बर्तन में चाय मिलता है, चाय बनाने का वहाँ का तरीका कितना अलग है, ये सब बातें हमने पढ़ी। वहाँ चाय में नमक और मक्खन जो डाल के बनता है, मैस करके आदमी मत कर इसमें जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो बहुत ही रोचक यात्रा वृतांत है ये, जिसमें वहाँ के आप कानून के बारे में बताया गया कि वहाँ हथियार का कानून नहीं था, इसलिए वहाँ पे लोग अनायास ही हथियार लेकर, पिस्तौल, बंदूक, आराम से, जैसे यहाँ के लोग लाठी डंडे लिए घूमते हैं उस तरह से लेकर घूमते रहते थे लाठी डंडे। और लेखक जब बहुत थक जाता है और उसे अभी 16-17 मील की चढ़ाई चढ़नी रहती है, वो भी बहुत ऊँची चढ़ाई, और इनके साथ सामान भी था जो उन्हें लेकर चलना था, तो ये सब परेशानी लेखक के सामने आती है। तो इनके साथ जो बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम सुमति कहा गया है लेखक ने इसमें आसानी के लिए, वहाँ से जब इन लोग को लंगतोर तक के लिए जाना था, तो लेखक कहता है सुमति से कि लंगतोर तक के लिए हम दो घोड़े कर लेते हैं, जिस पे आराम से सामान भी रख लेंगे और हम चढ़ाई भी कर लेंगे, चढ़ भी चलेंगे। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, अब आपको आगे पढ़ना है, आगे क्या होता है इस यात्रा में, जो कि छद्मवेश में एक भिक्षुक के रूप में लेखक चल रहा था और अपने यात्रा तक, अपने लक्ष्य तक उसे किस प्रकार पहुँचा, किस तरह से पहुँचा, यह हम आगे देखेंगे। तो आइए आगे का फिर देखते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडे यानी रास्ता होता है, ऊंची ज़मीन जो होती है जिससे ये लोग जा रहे थे, उसके रास्ते ये लोग डांडे के पहले एक जगह चाय पी, पहले जो ऊंचा ज़मीन थी जिसके रास्ते ये लोग जा रहे थे उस पे चढ़ने के पहले ये लोग चाय पिए और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। जब दोपहर हुआ, ये लोग जब चढ़ाई चाय पी कर चढ़ाई करना शुरू किए, दोपहर के समय ये लोग डांडे पर के ऊपर जा पहुँचे। काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी तो वहाँ जो ऊंची ज़मीन थी उस पर जाकर पहुँच गए। हमें समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊँचे खड़े थे। ये लेखक और सुमति कहाँ खड़े थे, जो समुद्र तल होता है उससे 17-18 हज़ार फीट ऊंचे, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई, हज़ार फीट, 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे, हज़ारों में ये फीट था। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारवें श्वेत शिखर चले गए थे। हमारे दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ राइट साइड में पूरब से पश्चिम की ओर, लेखक जहाँ था वहाँ से दक्षिण दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण दिशा जैसे हम कहीं भी खड़े हैं उस स्थान की दक्षिण दिशा मान लीजिए, उस दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर क्या था, हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे।
जो हिमालय की तमाम श्रृंखलाएं थी, श्वेत पर्वत शिखर थे, अर्थात श्वेत यानी बर्फ से ढके हुए जो तमाम शिखर थे, हजारों शिखर वो उनके बगल से गुजर गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे यानी ऊंचा स्थान जो टीला टाइप का होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेसन में एक जगह और भीटा शब्द आया है, थोड़ा मिट्टी का टीले टाइप में बना हुआ स्थान, इसको भीटा कहते हैं। जमीन से ऊपर होता है वो और पहाड़नुमा उसका आकार होता है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी भीटे की ओर जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, यानी वहाँ बर्फ़ नहीं थी, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी। देखिए आगे लाइन, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली, यानी पहाड़ थे तो सिर्फ शुद्ध पहाड़। दक्षिण शायद क्या था, श्वेत शिखर वाले पहाड़, यानी कि वे बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन इस साइड जो भीटे की तरफ के पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, यानी नंगे यानी पहाड़ कपड़े तो नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके बर्फ से वो ढके रहते हैं, या तो उन पे पेड़ पौधे या हरियाली रहती है। तो ये दोनों नहीं थे, यानी बिल्कुल सिर्फ शुद्ध पहाड़ थे, किसी तरह की हरियाली नहीं थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी, और इनके उत्तर दिशा में क्या था, पर्वतों की चोटियाँ थी, लेकिन उस पर बर्फ थी, लेकिन उस पर बहुत कम मात्रा में बर्फ थी, यानी बहुत कुछ थोड़ी बहुत बर्फ थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सबसे ऊंची जो श्रृंखला थी, पर्वत की श्रेणी, सबसे ऊंचा शिखर जो था उस पर क्या था, डांडे यानी उस ऊंचाई वाले स्थान के जो देवता थे उनका स्थान बना हुआ था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। वो जैसे देवस्थल कोई भी होता है, हमारे भी मंदिर मस्जिद होते हैं तो उनको हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, लेकिन वो किसी से सजाया गया था, वो पत्थरों से सजाया गया था, ढेर सारे पत्थरों के ढेर से उसको आकार दिया गया था, और जानवर जो मृत जानवर होते हैं उनकी सींगे और रंग बिरंगे कपड़ों से उनको सजाया गया था, रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से, कपड़ों की क्या बनाई गई थी, झाड़ियाँ बनाई गई थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अभी तक इन्होंने चढ़ाई की, कितनी चढ़ाई, 17-18 हज़ार फीट ऊंचे ये लोग चढ़ाई किए, उसके बाद हमें उन्हें उतराई यानी नीचे की तरफ उतरना था, अब इन्हें नीचे ढलान पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। आप भी जानते हैं, आप जब चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं तो थोड़ा वो कठिन लगता है, लेकिन जब आपको कहीं से उतरना होता है, सीढ़ी मान लीजिए जब हम चढ़ते हैं तो थोड़ी हमको थकान लगती है, पैर में भारीपन लगता है, लेकिन जब हम उतरते हैं तो हमें बिल्कुल आसान लगता है उतरना, और पैर बिल्कुल हल्के लगते हैं। तो वही कह रहा लेखक कि उतराई बिल्कुल आसान थी, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, उतराई में कोई मुश्किल इनको नहीं आई, आराम से उतर रहे थे। शायद दो एक और सवार साथी इनके साथ सवार साथी यानी राहगीर जो थे वो लोग भी घोड़े पर सवार होकर इनके साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, इनका घोड़ा जो है थोड़ा धीमे सुस्त हो गया और घोड़े की अपेक्षा, मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। तो इनको क्या लगा कि इतना ऊपर चढ़ा है घोड़ा तो थोड़ा थक गया होगा, इसी वजह से थोड़ा सुस्त हो गया है और धीमे चल रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था, और उसको जैसे घोड़ा जब धीमे चलता है तो उसको लोग चाबुक लगाते हैं तो फास्ट हो जाता है, तो ये लेखक यही सोचकर उसको मारना नहीं चाह रहा है कि ये थका हुआ है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दैनिकों कष्टों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये एक उपन्यास के किरदार थे जो कि घोड़ों की सवारी, घोड़ों पर चलते थे, उन्हीं की तरह ये अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, आराम से झूमते हुए घोड़ा बहुत स्लो मोशन में चल रहा है, ये बहुत पीछे हो गए हैं, लेकिन चलते चले जा रहा है, उनको ये नहीं एहसास हो रहा कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। अगर ये लेखक कभी चाहता भी था कि थोड़ा
तेज चले घोड़ा, थोड़ा जोर दूँ इसको, थोड़ा चाबुक लगाऊं, तो वो और सुस्त हो जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक जगह दोराहा था, यानी एक रास्ते से दो रास्ते निकले थे, एक कहीं और जा रहा था, एक कहीं और जा रहा था, दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। बाएं वाला रास्ता लेखक ने पकड़ लिया और करीब डेढ़ मील आगे चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंग कोर का रास्ता दाहिने वाला था। जब डेढ़ और मील चल लिए, एक डेढ़ मील, तो किसी घर में इन्होंने जाके पूछा लेखक ने कि लंग कोर का रास्ता किधर को जाना है, जो कि इनकी मंजिल थी। तो पता चला कि वो जो दो राहे थे वहाँ से जो दाहिने तरफ रास्ता मुड़ता है वो लंग कोर का रास्ता था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, अब फिर लौट पड़े और वो दाहिने वाला रास्ता पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव में मील भर पर था, गांव से मील भर पर था, यानी जहां गांव था वो लंगकोर, वहां से मील भर पहले थे। तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। सुमति जो इनके साथी थे, रास्ते के साथी थे, वो क्या कर रहे थे, इनका इंतज़ार उस गांव में कर रहे थे। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होता है, मंगोल यानी वो मंगोल थे, उनका मुंह ऐसे ही लाल होता है, और अब तो उस पर गुस्से में थे, मंगोल थे वो सुमति, उनका चेहरा थोड़ा लाल होता है वैसे भी, उनके वहाँ की जो भौतिक स्थिति या पर्यावरण के वजह से उनकी उनका चेहरा लाल होता है, और उस पर से गुस्सा गुस्से में थे, किसी का भी चेहरा लाल हो जाता है, तो वो क्या हो गए थे, पूरी तरह उनका चेहरा लाल हो गया था। पूछने से पता चला, तो सुमति इंतजार कर रहे हुए मिले, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे, यानी पूरी तरह लाल हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। वह जो सुमति थे, उन्होंने क्या कहा गुस्से में, कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, यानी 2 टोकरी कंडे, यानी 2 टोकरी भरे हुए उपले, जो गाय के गोबर से या भैंसे के जानवरों के गोबर से जो ईंधन बनाया जाता है गांव में, उसको कंडा कहते हैं कहीं कहीं, वो इन्होंने जला के कई बार चाय को गर्म किया था, 3-3 बार चाय को गर्म किया था। तो फिर ये लेखक ने क्या कहा, मैंने बहुत नरमी से बता दिया, बहुत ही पोलाइटली लेखक ने जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, लेकिन इसमें जो देरी हुई है, मैं देर से आया हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, अपने घोड़े की तरफ दिखाकर बोले, तुम देख नहीं रहे हो मुझे जो घोड़ा मिला वो कैसा मिला है, यानी बहुत ही सुस्त। मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमत की जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। एक ह्यूमन नेचर होता है, किसी भी आदमी को जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है उसका गुस्सा बहुत जल्दी उतर जाता है, जो कभी कभी क्रोधित होता है उसका गुस्सा टिकाऊ होता है, वो कुछ देर तक गुस्से में रहता है, जो हमेशा बार बार छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं वो जल्दी ही उनका गुस्सा गायब भी हो जाता है। तो सुमत का भी वैसा ही स्वभाव था, उनको जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, लेखक और सुमत कहाँ ठहरे, एक अच्छी जगह पर ठहरे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यजमान यानी जो मेहमान का स्वागत करता है, जिसके यहाँ कोई मेहमान ठहरता है उसको यजमान बोलते हैं हिंदी में। तो जो इनके यजमान थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गरम गरम थुप्पा मिला। पहले चाय और सत्तू खाया गया, सत्तू यानी भुने हुए अनाजों का एक आटा बनाया जाता है, उसका खाया जाता है, जैसे चना, जौ, मटर, इन सब अनाजों को पहले भून लिया जाता है, फिर उसको आटा बनाया जाता है, वो एक खाद्य पदार्थ होता है। तो पहले इन्होंने चाय के साथ सत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा जो होता है वहाँ पे, एक तिब्बत में एक वहाँ का डिश है, एक तरह का भोज्य पदार्थ है, जो कि पतली ले की तरह होता है, उसमें हड्डियां, मांस और चावल आदि मिलाकर बनाए जाते हैं,
पतली लेह की तरह, या सत्तू भी कभी कभी मिलाया जाता है, उसको थुक्पा बोलते हैं वहाँ तिब्बत में। जब हम तिंगरी के विशाल, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। अब ये लोग कहाँ आ गए लेखक अपनी यात्रा करते करते, तिंगरी के विशाल मैदान में। ये वहाँ तिब्बत का एक विशाल मैदान है जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। वह पहाड़ों से ऐसे घिरा था, ऐसे लगता था कि कोई पहाड़ों से घिरा हुआ टापू है, जिससे दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। जिससे दूर वो जो मैदान था विशाल मैदान, उससे दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। दूरी पर बहुत दूरी पर एक छोटी पहाड़ी दिखती थी जो मैदान के भीतर ही थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उस पहाड़ी का क्या नाम था जो छोटी सी पहाड़ी मैदान के ऊपर दिखती थी? वो उसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गाँव में से भी सुमत के कितने ही यजमान थे। सुमत चूँकि एक बहुत भिक्षु थे तो उनके बहुत से जानने वाले वहाँ पे थे तिब्बत में, तो वहाँ उनके बहुत से यजमान थे, अर्थात ये उनके एक तरह से गुरु मान लीजिए, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। तो सुमति के वहाँ पे बहुत से यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के, यानी कपड़े को जो पतले में काट दिया जाता है, बहुत पतली डोरी टाइप में काट दिया जाता है, चीरी यानी काटी हुई कतरी हुई बत्तियों के, कपड़ों के जो कपड़े होते थे उनको पतले में भाग में काट कर उनकी बत्ती बनाई गई थी, जैसे के गंडे ख़त्म नहीं होते थे। गंडे वो होते हैं जो तंत्र मंत्र किए हुए के धागे होते हैं, शायद वहाँ कपड़ों के बनते होंगे, तो वही थे, ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध से गया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वो गंडा देते थे सबको, अपने यजमानों को जो सुमति थे, तो वो गंडे ख़त्म नहीं होते थे। क्यों नहीं ख़त्म होते थे? क्योंकि बोध गया से जो लाए थे ये कपड़ा गंडा बनाने के लिए, जब वो ख़त्म हो जाते थे, तो ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो कोई भी और कपड़ा लेकर बोध गया वाला, जो बोध गया में जो गंडा मिलता है वो बना लेते थे। गंडा यानी झाड़ फूक किया हुआ, तंत्र मंत्र किया हुआ एक धागा जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए बांधते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। सुमति जो थे वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अगर लेखक ने सोचा अगर ये मैं अपने यजमानों के पास गए तो पूरा हफ्ता वहीं बिता देंगे, इनके कई यजमान हैं। मैंने उनसे कहा जिस गांव में ठहरना हो उसमें ही भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेखक ने क्या कहा कि जहां तुम्हें ठहरना हो, जहां रात्रि गुजारने हो, वहां गंडे बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में या जहां ठहरे उसके आसपास के गांव में गंडे बांटने मत जाना। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर रुपये दे दूँगा। तुम नहीं जाओगे, जो यजमानों के यहाँ से यहाँ रुपए मिलते हैं या जो उनका टाइम बर्बाद होता है उसके लिए वो लासा पहुँच कर रुपये दे देंगे। सुमति ने स्वीकार किया। सुमति ने उनकी बात को मान लिया, जो इनके रास्ते में के साथी थे उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया यानी सामान को ढोने वाले, लेकिन कोई न मिला, कोई उनके सामान को ले जाने पहुंचाने वाला नहीं मिला। जब कोई इनका भरिया यानी सामान को ढोने वाला, सामान को ले जाने वाला नहीं मिला, सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। जब कोई सामान को ढोने वाला नहीं मिला तो ये आपस में विचार विमर्श करने लगे लेखक और सुमति जी, या सोचने लगे कि अगर हम लोग सुबह निकले होते तो रास्ता शायद आसान होता। अब जो है 10 से 11 बज गए थे तो काफ़ी तेज़ धूप थी, जिसमें चलना इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था या मुश्किल हो रहा था। तो लेकिन उन्हें चलना तो था ही, मंजिल पानी थी तो रास्ता तो तय करना ही था, तो चले जा रहे थे। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। तिब्बत की धूप कैसी होती है? बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ लगती है।
यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर मोटे कपड़े से सर को ढक लिया जाता है तो गर्मी क्या हो जाती है, गर्मी वहाँ की गर्मी खत्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी सिर्फ धूप की वजह से होती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, लाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी। ये वहाँ के मौसम के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, सूरज की तरफ आपका चेहरा है, आप रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसी वहाँ का जलवायु, ऐसी मानसून है वहाँ का जलवायु जो है कि 2 बजे टाइम अगर आप निकले हैं, सूरज की रोशनी में आपका चेहरा है, चल रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ललाट धूप से जल, आपका चेहरा जहाँ सीधी धूप पड़ रही है वह जलने लगता है, इतना तेज धूप लगता है। लेकिन पीछे क्या है, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वो इतना ठंडा होने लगता है कि जैसे मालूम होता है कि उस पर बर्फ पड़ रही है, ऐसा वहाँ का, ये वहाँ की जलवायु। मैंने कहा आपसे कि इन्होंने अपने यात्रा के साथ साथ वहाँ की जो भौतिक वातावरण और वहाँ की जो पर्यावरण है, जो जलवायु है, उसके बारे में भी हमको बीच बीच में लेखक ने बताया है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी। फिर इन्होंने अपने अपने पीठ पर अपना अपना सामान रख लिया, डंडा हाथ में ले लिया, हाथ में एक एक डंडा ले लिया और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। वहाँ से ये लोग चल पड़े। यद्यप सुमत के परिचित तिंगरी में भी थे, तिंगरी जहाँ ये गए वहाँ भी इनके परिचित इनको मिल रहे थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। लेकिन उनको एक जो सुमति जी थे उनको एक किसी और यजमान से मिलना था। परिचित तो तिंगरी में भी बहुत थे उनके, लेकिन इनको किसी और यजमान से जो इनके कुछ जो जिनसे इनको खास रूप से मिलना था उनसे मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा कि मतलब इस रास्ते पे अगर हम चलेंगे शेखर बिहार के रास्ते होकर तो यहाँ रास्ते में आदमी लोग मिलते रहते हैं, सुना नहीं रहता रास्ते में, तो इसलिए वो बहाना किए कि शेखर बिहार से होकर चलिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तिब्बत की जो ज़मीन होती है, जैसे कोई जागीरदार होता है उसकी बहुत बड़ी ज़मीन होती है, तो वहाँ ऐसे नहीं है, छोटे छोटे जागीरदारों की ज़मीन है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। वहाँ जो बौद्ध मठ होते हैं, इन जागीरों का सबसे ज़्यादा हिस्सा, अधिक से अधिक हिस्सा उन मठों को दे दिया गया है, मठों के अधीन है वो ज़मीन, मठों के हाथ में है, यानी उनके हाथ में सौंप दिया गया है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, लेकिन जो है अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार थोड़ी बहुत खेती स्वयं भी करता है, मठ को पूरा नहीं दे देता है, मठों को ज़्यादा हिस्सा दिया गया है, लेकिन खुद भी कुछ खेती करते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी मुफ्त में जो लोग काम करते हैं उसको बेगार कहते हैं, उनकी कोई मजदूरी नहीं होती है। तो उन जागीरदारों को मजदूर कैसे मिलते थे, मुफ्त में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, और खेती का इंतजाम कौन देखता है, वहाँ कोई भिक्षु होता है जिसको भेज दिया। अर्थात जो जागीरदार होते थे उनकी जो ज़मीन होती थी उसमें से ज़्यादा हिस्सा जो वो मठ को दे देते थे और कुछ अपने अपने खुद करते थे कुछ खेती। तो जो मठ को दे दी गई होती थी जागीर या ज़मीन, जो ज़मीन वो उसकी देख रेख कौन करने के लिए, वहाँ मठ से एक भिक्षु भेजा जाता था। वह भिक्षु इस जागीर के लिए या जागीर के लोगों के लिए राजा होता था एक तरह से, वो उतना ही सम्मान उस भिक्षु को देते थे जैसे कोई राजा होता है। इसीलिए लोग मुफ्त में या बेगार में उनका काम करते थे, वह खेती का काम करते थे, क्योंकि वह उनको अपना राजा या अपना भगवान उस भिक्षु को मानते थे। जो शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, क्या नाम था उनका, नमसे। जो शेखर की खेती के मुखिया थे, शेखर की खेती जिस जागीरदार की रही होगी, उसने जिस मठ को वो अपनी ज़मीन दी थी उस मठ से जो भिक्षु आया था वहाँ के खेती के देखने के लिए, शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी जो वहाँ की खेती देखते थे, उनका नाम था नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, वे बहुत प्रेम से मिले। इन लोगों से कैसे मिले, बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था,
यानी ये भिक्षुक के वेशभूषा में थे, तो उन्हें इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था, इनसे प्रेम से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतने सज्जन थे कि उनके लिए मायने नहीं रखता था कि वो भिक्षुक है या क्या है, बस उनके लिए यही था कि कोई इंसान है जो आया है, कोई मेहमान है, तो इसीलिए वो बहुत प्रेम से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, वहाँ एक बहुत बढ़िया मंदिर भी था जिसमें कंजरू बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध का अनुवाद होता है कंजर कंजूर, तो ये कंजूर में यानी बुद्ध के वचनों को अनुवादित करके वहाँ तिब्बती भाषा में लिखा हुआ था, जिसको कंजूर कहते हैं, कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जो बुद्ध के वचनों के अनुवाद किए हुए थे वो 103 पोथियाँ उस मंदिर में रखी हुई थी। अर्थात बुद्ध के जो धार्मिक वचन होते हैं, जो उनके संदेश होते हैं, उनको अनुवाद करके उन पोथियों में लिखा हुआ था। इन अनुवादित पोथियों को कहते हैं कंजूर। ये 103 पोथियाँ उस मंदिर में रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, आसन भी लगा मतलब वहीं ये भी टिके, उस मंदिर में ही जाके अपना स्थान बनाया रहने का, सोने बैठने का। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, वो जो कंजूर थी बुद्ध के वचनों का जो अनुवाद था, वह बड़े बड़े और मोटे मोटे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही। वो जो 103 पोथियाँ थी, एक का वजन 15-20 किलोग्राम, यानी 15-15 शेर यानी एक शेर यानी होता है लगभग 5 पाव या 1 किलो से ज़्यादा, तो लगभग 20 उस किलो के वजन की एक एक पोथी यानी एक एक पुस्तक थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब जो इनके साथ में बौद्ध भिक्षु था सुमति, वह फिर उस क्षेत्र में भी उसके यजमान थे, तो उसके अपने क्षेत्र के यजमानों के बारे में पास जाने के लिए सुमति ने फिर इनसे आज्ञा लेनी चाहिए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी अब लेखक जो है पुस्तक को खंगालने लगे थे, एक एक पुस्तक खोल के देख रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब उन्हें पुस्तक में इंटरेस्ट हो गया था, वो पुस्तक पढ़ना चाहते थे, इसलिए उनको जाने को कह दिया। अब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके मित्र उनके दोस्त पुस्तक उनको मिल गए थे। दूसरे दिन वह गए, दूसरे दिन सुमति चले गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक ने समझा था कि गए हैं अपने यजमानों से मिलने, तो 2-3 दिन लगा देंगे, लेकिन वो क्या हुआ, उसी दिन दोपहर में वापस आ गए, दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। अब ये फिर तिंगरी गांव जो जहां से आए थे बहुत दूर नहीं था, नज़दीक पर ही था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। जिस रास्ते ये लोग गए थे शेखर गांव से होते हुए, शेखर बिहार से, वहां से तिंगरी जहां इनका जाने का लक्ष्य था, जो इनकी मंजिल थी, उस रास्ते से अपने यजमानों से मिलने की वजह से सुमति इनको ले गए थे शेखर बिहार से होते हुए। तो वहां से शेखर बिहार से तिंगरी गांव ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक ही था। तो जब सुमति आ गए, लेखक ने तो सोचा था 2-3 दिन रुक के यहां के कंजर जो बुक है उसको पुस्तक उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन वो तुरंत ही आ गए, उसी दिन आ गए अपने यजमानों से मिलकर। तो वहाँ से जब तिंगरी गांव ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी ही दूरी पर था, तो इन्होंने वहाँ से निकलना उचित समझा और अपने अपने सामान को अपने अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। और भिक्षु नमसे यानी वहाँ शेखर गाँव के जो भिक्षु थे उनसे विदाई ली और चल पड़े। कहाँ चल पड़े, तिंगरी के लिए। तो ये था एक यात्रा वृतांत राहुल सिंह कृत्यायन जी का, जिसने में हमने जो नेपाल के रास्ते उन्होंने यात्रा की है उसके बारे में जाना, कि हमारे हिंदुस्तान से डायरेक्ट तिब्बत जाने का रास्ता उस समय बंद था, हिंदुस्तान से कोई भी डायरेक्ट तिब्बत नहीं जा सकता था। लेखक ने उनकी जो यात्रा की अंदर से उत्कंठा थी उसको रोक नहीं पाए और एक भिक्षुक के एक भिखारी के छद्म भेष में इन्होंने नेपाल के रास्ते यह यात्रा कंप्लीट की और अपनी लक्ष्य अपनी मंजिल पर पहुँचे। तो बड़ा ही रोचक यात्रा वृतांत था,
जो हमने पढ़ा। अब ये एक लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा। आप एक बार इस लेसन की रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो आपको समझ में शायद मेरे बताने के बाद भी तुरंत नहीं आए होंगे। सप्त संपदा से आप उसको एक बार देखिएगा और मेरी बताए हुए पढ़ाए हुए शब्दों को याद कीजिएगा, तो शायद आपको याद आ जाएंगे और इसको पूरा लेसन मन से केयरफुल्ली पढ़ डालिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जिससे हर एक शब्द समझ में आए। तो आपको जब समझ में आएगा तो आपको भी बहुत ही रोचक और लगेगा, सुंदर लगेगा, आपका पढ़ने की इच्छा और बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।